गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है, क्या क्या दे रखा है? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दे रखे हैं, फर्स्ट फेज दे रखे हैं, सेकेंड फेज में कितने चिल्ड्रंस ने पोलियो, कितने चिल्ड्रंस को पोलियो दी गई वो लिखा हुआ है, और आपको क्या करना है, थर्ड फेज के नंबर्स निकालना है। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि टोटल ऑफ 8,976 चिल्ड्रन, टोटल नंबर ऑफ यानी टोटल कितने चिल्ड्रंस को दी गई है पोलियो वो लिखा हुआ है यहाँ पे, और फर्स्ट फेज में कितने दिए गए हैं वो भी लिखा हुआ है, सेकेंड फेज में कितने दिए गए हैं वो भी लिखा हुआ है, थर्ड फेज का पूछ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर देंगे, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज में प्लस कर देंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर है उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे थर्ड फेज के नंबर निकल के आ जाएंगे। तो हम फर्स्ट और सेकंड फेज से सम करते हैं, तो 0 and 5, 5, 8 and 2, 10 का 0 carry 1, 70 and ये 5, 5, 7, 5, 7, 0 और ये 5 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 8, 9, 7, 6, 5, 7, 0 and 5, ठीक है। तो ये है आपका 6, 6 में से 5 माइनस किया 1, 7 में से 0 माइनस किया 7, 9 में से 7 माइनस किया 2, 8 में से 5 माइनस किया तो 3, तो ये आपका आ गया 2, 7, 2, 3, 2, 7, 1, ठीक है। तो आप देखिए, आप देख सकते हैं, एक बार आप अच्छे से देख लो क्या किया हमने। सबसे पहले तो देखो, आपको फर्स्ट फेज के चिल्ड्रंस के नंबर्स दे रखे थे, सेकंड फेज में कितने चिल्ड्रंस को पोलियो ड्रॉप्स दी गई उनके नंबर्स दे रखे थे, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले फर्स्ट और सेकंड में जितने थे उनको सम कर दिया। अब आपके पास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, और आपको पूछा क्या है, थर्ड फेज में कितने चिल्ड्रंस ने, थर्ड फेज में कितने चिल्ड्रंस को पोलियो ड्रॉप्स दी गई। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि जो फर्स्ट सेकंड का सम आया था ना, उसी को हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस से माइनस कर देंगे, तो हमारा थर्ड फेज का निकल जाएगा। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक आपका होमवर्क था, आई होप आप सभी ने वो कर लिया होगा और आप सबको समझ में आ गया होगा। यस, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको इंडियन नंबर्स में दे रखा है ना, क्या लिखा हुआ है, ये इंडियन नंबर्स में लिखा हुआ है 125 मीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू मेक 3 कर्टन्स, 125 मीटर क्लॉथ हमको चाहिए कर्टन्स बनाने के लिए, एंड 2086 मीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू मेक 5 कनोपी, फाइंड द टोटल कर्टन्स एंड कनोपी, दोनों में कितना आपको कपड़ा चाहिए, कितना क्लॉथ रिक्वायर है वो दे रखा है, तो आपको टोटल लेंथ निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है, तो सिर्फ इसमें टोटल ही पूछा है, मैंने बताया था कि जब भी आपको टोटल पूछे तो आपको क्या करना है, सम कर देना है। तो मैं ये करवाती हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 16 फॉर कर्टन्स, कर्टन्स के लिए हमको कितना क्लॉथ चाहिए, फॉर कर्टन्स वी नीड 125 मीटर क्लॉथ, राइट, एंड फोर कनोपी फोर इज इक्वल टू 286 मीटर क्लॉथ। अब ये आपको टोटल है ना, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ पूछ रहे थे, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, तो क्या करोगे, सम करोगे, कर दीजिए इसको सम, दिस इज 6 and 5, 6 and 5 11, 11 का 1 कैरी 1 आ जाएगी, 8, 9, 10 and 1, 11 फिर 1 आ जाएगा आपका कैरी 1, ये 1, 2 and 2, 4, तो ये हो जाएगा आपका 4, यानी क्या आया है 411, यानी टोटल क्लॉथ कितना चाहिए आपको 411, ठीक है, ये आया समझ में, एक बार देख लीजिए।
यस। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 70। आप अपनी बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 70। रितु हैज ₹575, श्वेता हैज 190 लेस देन रितु। इफ द रूपी ऑफ द टू इज पुट टुगेदर इज इक्वल टू रितु। देखो रितु के पास में 575 रुपीज है, श्वेता के पास में रितु से 190 रुपीज कम है ना, और इन दोनों के पास जितने रुपीज है ना उतने किसके पास है, रेणु के पास में। तो आपको पूछा है कि रेणु के पास में कितने रुपीज है ये बताइए। तो क्या करोगे आप रितु के पास? सबसे पहले तो लिखोगे रितु, रितु हैज रुपीज, कितने रुपीज है रितु के पास में? 575 ठीक है। और श्वेता के पास में कितने हैं? श्वेता, श्वेता हैज रुपीज इज इक्वल टू किससे? रितु से। कितने कम है? रितु से कितने कम है? उसके पास में 190 रुपीज कम है। तो क्या कर देंगे, रितु के पास में 575 और श्वेता के पास में रितु से 190 कम है, इट मींस हम क्या कर देंगे, इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए हम इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास में आएगा 385। जब आप इसको माइनस करोगे ना 385 आएगा। कैसे करके बताओ, 575 में से 190 माइनस किया, 5 में से 5 में से 0 माइनस किया 5, 7 में से 9 माइनस नहीं होता तो 17 बनेगा, 17 में से 9 माइनस करो तो 8 आएगा, ये बन गया आपका 4, 4 में से 1 माइनस किया तो 3। इट मींस जो श्वेता के पास में रुपीज है वो कितने हैं? 385। अब हमको किसकी चाहिए? रेणु की चाहिए। रेणु के, रेणु है रुपीज इज इक्वल टू, रेणु के पास में कितने पैसे थे? रितु और श्वेता दोनों के अगर पैसे को मिला दिया जाए तो उतने पैसे किसके पास है? रेणु के पास है, यानी रेणु के पास में ज्यादा पैसे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों को सम कर देंगे। देखिए सम करेंगे तो 5 and 5 10 का 0 केरी 1 8 9 यानी ये क्या हो जाएगा आपका 16 का 6 केरी 1 5 6 7 8 9 यानी आपके रेणु के पास में कितने रुपीज है? 916। कितने रुपीज है रेणु के पास में? 916। आया समझ में? समझ में आया क्या किया हमने? क्वेश्चन में आपको गिवन था कि रितु के पास में 575 रुपीज है, श्वेता के पास में रितु से 190 लेस, लेस मतलब कम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रेणु के निकालना है। और रेणु के पास में कितने मनी है? श्वेता और रितु के अगर दोनों के पैसों को मिला दिया जाए, दोनों के पैसों को साथ में रखा जाए तो वो पैसे कितने, वो जो रुपीज है वो रेणु के होंगे। तो क्या किया हमने, इसके निकाल लिए श्वेता के, फिर दोनों का सम किया तो रेणु के आ गए। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, मिस्टर अजय वेंट टू मार्केट विथ 525 रुपीज। ही बोट फिश फॉर 150, ऑयल फॉर 90 एंड वेजिटेबल फॉर 75। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ ही? ये वही है, पहले हमने क्वेश्चन किया था ना कि इसके पास में इतने रुपीस थे और इसने वीट खरीदी और वीट खरीदे थे और राइस खरीदे थे तो कितने बचे थे वो निकाला था हमने। और या और मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि आपके पास में 10 रुपीज है, वो वाला एग्जांपल बताया था ना, 1 रुपीज की आप चॉकलेट ले आए, 5 रुपीज का पेन ले आए, तो आपके पास में कितने रुपीज बचे हैं वो निकालना था, है ना। तो अब आपको इसमें भी वही करना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 18, क्वेश्चन नंबर 18। देखो अजय के पास में टोटल रुपीस कितने हैं? अजय के पास में टोटल रुपीस कितने हैं? 525 ठीक है। अब उसने फिश खरीदी, फिश कितने की खरीदी उसने? 150 रुपीस की, ठीक है। 150 रुपीस की उसने क्या की, फिश खरीद ली। और ऑयल कितने का खरीदा उसने? 90 रुपीस का ऑयल खरीद लिया, ठीक है। और उसने
वेजिटेबल्स खरीदनी 75 रुपीज की, यानी उसने टोटल जो स्पेंड है मनी स्पेंड खर्च कितने की वो निकालने के लिए हम जो भी उसने सामान खरीदे इन तीनों का प्लस कर लेंगे। तो ये देखेंगे 5 हो जाएगा 9 एंड 7 16, 16 एंड 5 21 का 1, 8 ओवर 2 इट्स 315, यानी उसने 315 रुपीज स्पेंड कर दिए। अब उसके पास में कितने हैं, अब उसके पास में कितने रुपीज बचे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 525 में से 315 को माइनस कर देंगे, 5 में से 5 माइनस किया 0, 2 में से 1 माइनस किया 1, 5 में से 3 माइनस किया तो 2, यानी उसके पास में कितने रुपीज बचे हैं, 210 रुपीज, कितने रुपीज बचे हैं उसके पास में, 210 रुपीज। आई होप ये भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। आया समझ में, अजय के पास में टोटल रुपीज कितने थे, उसने फिश खरीदी, ऑयल खरीदे, वेजिटेबल खरीदी, ठीक है, इन सब का सम करके इसमें जब हम वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास में अजय के पास में जो लेफ्ट मनी है उसका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। A factory produced 6,849 helicopters in 2014 and 6,574 helicopters in 2015. How many total helicopters did the factory produce in the 2 years? ठीक है, एक फैक्ट्री है जहां पे हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन होता है ना, प्रोडक्शन होता है, तो वहां पे 2014 में बता रहे हैं, 2015 में बता रहे हैं, तो आपको टोटल नंबर बताना है। तो क्या करोगे, 2014 में हेलीकॉप्टर्स 6,849 बनते हैं और 2015 में कितने हेलीकॉप्टर्स बनते हैं, 6,574। अब आपको क्या पूछा, टोटल हेलीकॉप्टर्स की तो पूछा है ना, तो बहुत इजी है ये। तो चलिए आप अपनी नोटबुक में, रफ नोटबुक में ये कीजिए सम। सम बहुत इजी है, ये क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सम करना है, ठीक है। तो सम कर लीजिए, 9 इन 4 13 का 3 केरी 1, 7 8 इन 4 12 का 2 केरी 1, 8 1 9 9 इन 5 14, 4 केरी 1 6 एंड 6 12 एंड 1 13, इट मींस 13,423 हेलीकॉप्टर्स बनाए उन्होंने 2 ईयर्स में, ठीक है। 2 ईयर में उनका प्रोडक्शन पूरा कितना हो गया, 13,423, राइट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, यस, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 1543 पीपल अपेयर इन एग्जाम। एग्जाम कितने लोगों ने दिया, 1543, ठीक है, उसमें एक ईयर में, 1 ईयर और पर्टिकुलर ईयर, एक ईयर में क्या किया, इतने बच्चों, इतने लोगों ने एग्जाम दिया और 893 मोर पीपल अपेयर इन द सेम एग्जाम इन द नेक्स्ट ईयर। उसी सेम एग्जाम में नेक्स्ट ईयर कितने लोग बढ़ गए, तो अब आपको टोटल पूछा है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सिंपल, आपको एडिशन ही करना है। क्या करोगे, देखो पर्टिकुलर एक ईयर था आपका, जैसे इस ईयर में एक एग्जाम हुआ तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 1543 ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। इसकी लैंग्वेज आपको पीडीएफ में भेजूंगी ना, पीडीएफ सेंड करूंगी, उसमें पूरी लैंग्वेज आएगी। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप समझ लीजिए कि मैंने ये कैसे किया, ठीक है। तो क्या किया, 1 ईयर में इतने थे और नेक्स्ट ईयर में कितने और बढ़ गए, इसी एग्जाम, एक ही एग्जाम की बात हो रही है, ये एग्जाम है, इसमें एक ईयर में तो इतने 1543 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उसी में नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, 893 पीपल और यूज है। तो टोटल बता सकते हो आप, टोटल इजीली कर सकते हो, 9 एंड 4 13 का 3, 8 9 एंड 5 14 और ये 2, इट मींस टोटल जो पीपल हैं जिन्होंने
एग्जाम दिया था वो कितने हो गए आपके 2436। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, यस 21 बुक में देखिए, द सेल्स टर्नओवर ऑफ अ कंपनी इन 2015 वाज ₹4,748 करोड़। इन द 2016 द टर्नओवर इंक्रीज्ड टू 5,847 करोड़। व्हाट इज द इंक्रीज इन सेल्स टर्नओवर? देखो इसमें यहाँ पे आपको एक कंपनी है जहां पर 2015 का टर्नओवर दे रखा है और 2016 का दे रखा है, मतलब उसने कितना किया था। अब आपको पूछा है कि 2015 से 16 में आने में उसने कितना कन्वर्ट किया, कितना इंक्रीज किया। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट टेस्ट में आपने 20 मार्क्स ऑब्टेन किए, ठीक है, और जो थर्ड टेस्ट हुआ उसमें आपने 35 मार्क्स ऑब्टेन किए। तो अगर मैं पूछूं कि आपने कितना इंक्रीज किया तो आप क्या करोगे, माइनस ही करोगे ना, इसमें इसको इसमें से माइनस कर दोगे। मींस आपने 15 मार्क्स ज्यादा लिए हैं ना सेकंड टेस्ट में, आपके 20 थे, उसके बाद में आपने कितने 35 मार्क्स ऑब्टेन किए, मींस आपने 15 मार्क्स इंक्रीज किए। तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। तो देखो 2015 में कितने थे रुपीस थे आपके 4,748 करोड़, ठीक है, और 2016 में कितने हो गए रुपीस 5,847 करोड़। इट मीन्स क्या किया है आपको, बड़ा है। देखो ये 4,748 था, वो 5,847 हो गया। इट मीन्स उसमें क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, और वो इंक्रीज कितना हुआ है वो ही पूछ रहे हैं। जैसे आपने, मैंने मार्क्स वाला बताया था तो उसमें आपने 15 मार्क्स इंक्रीज किए थे, तो यहाँ पे कितने रुपीज उन्होंने इंक्रीज किए, कितना टर्नओवर उनका रहा ज्यादा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वहां पर भी तो हमने सब्ट्रैक्ट किया था ना, तो देखिए 7 में से 8 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 17 में से 8 माइनस करेंगे, तो बताइए मुझे क्या होगा, 7, 8, 9 हो जाएगा, ये बच जाए आपका 3 हो जाएगा, 3 में से 4 माइनस नहीं कर सकते, 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 एंड 3 ये भी 9 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया आपका 7, 7 में से 7 माइनस किया तो 0, तो और ये आपका 5 में से 4 माइनस किया हमने तो ये 1 हो जाएगा, तो 1,099 यानी 1099 करोड़ का क्या किया उसने, इंक्रीज किया, ठीक है, टर्नओवर। आगे समझ में, एग्जाम्पल मैंने छोटा आपको दिया था, तो आई होप आपको सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 22, और फिर 23 एंड 24 जो है वो आपका होमवर्क होगा, ठीक है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, तो मैं क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ती हूँ। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 891 इफ द ग्रेटर नंबर इज 1561, फाइंड द अदर नंबर। कल हमने या इससे पहले हमने एक किया था जहां पर हमको सम्स ऑफ टू नंबर दे रखा था, एक नंबर दे रखा था और हमको अदर नंबर फाइंड करना था, राइट। ऐसे ही आज हमको क्या बोला है, डिफरेंस दे रखा है, तो चलो करते हैं इसको भी। कल भी हमने क्या किया था, लेट कंसिडर किया था ना, माना था हमने, तो यहाँ पर भी मान लेते हैं। लेट द अदर नंबर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब दो नंबर का डिफरेंस दे रखा है 1, 5, 6, 1, -x, एक नंबर तो हमको दे रखा है, दूसरा नंबर हमने क्या माना, x माना है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दे रखा है आपको 891। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो क्या करोगे उसके लिए, इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 15, 6, 1, -891 = x। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए मैं यहाँ पर आपको माइनस करके बताती हूँ, 1561 में से 891 माइनस करना, 1 में से 1 माइनस किया 0, 16 में से 9 माइनस किया तो 7, 14 में से 8 माइनस किया तो कितना हो जाएगा आपका 6, इट मीन 670। क्या है आपका आंसर, 670। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में,
सेवेंटी मीन्स आपका जो दूसरा नंबर है वो क्या है 670। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। मैं जो आपको होमवर्क दूंगी आपको होमवर्क करना और आपको पीडीएफ भी मिलेगी।